पिछले साल हमने करीब 1400 करोड़ रुपए का घी बेचा था गाय का, और हिंदुस्तान के ज्ञात इतिहास में पहली बार गाय का घी का ब्रांड ही पतंजलि ने बनाया। अब इसमें क्लोरोफिल होता है जिसमें जो है जिसके कारण से इसमें पीलापन आता है, और वो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए वो बहुत अच्छा होता है। अब उसको क्या किया लोगों ने, एसिड डाल करके, केमिकल डाल करके गाय के घी के पीलेपन को हटा करके उसको भैंस का घी करके बेचा करते थे और कम कॉस्ट में बिकता था। क्यों? अब लोगों को पता लगा, रहे गाय के घी में तो बड़ी वैल्यू होती है, ये ज़्यादा अच्छा है सेहत के लिए, तो लोगों ने भैंस के घी से 100 रुपये महंगा होने के बाद उसको खरीदना शुरू कर दिया। 100 रुपये महंगा होने के बाद, 1 किलो में 100 रुपये कोई महंगा हो और फिर भी लोग खरीद लें, ये हमने करके दिखाया है। और यही अब फिजिकल ऑयल में भी होने वाला है। वो केमिकली रिफाइंड करके बेचते हैं, वो 5 से 10 रुपये सस्ता पड़ता है रिफाइंड करने में। जब फिजिकली रिफाइंड करते हैं तो 1 लीटर पर 5 से 10 रुपये का ज़्यादा खर्चा आता है, और उसके बावजूद अभी हम MRP उनसे किसी का 10, किसी का 15, किसी का 20 रुपये कम रख रहे हैं। 10 से 20 रुपये 1 किलो पर कम, 10 से 20 रुपये का खर्चा ज़्यादा, और लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। 1 साल के भीतर भीतर कुकिंग ऑयल में, एडिबल ऑयल में पतंजलि नंबर 1 होगा। ये इतनी बड़ी ताकत है। और इसका जब वो बेचने जाएगा किसी दुकान पर तो कम से कम 10 लाइन बेचेगा, 10 लाइन कम से कम बता रहा हूँ। वो 1 सरसों का तेल खरीदेगा, 1 घी का पैकेट जरूर खरीदेगा, चाहे वो 200 ग्राम का खरीदे, चाहे आधा किलो का या 1 किलो का, कुछ हो सकता है 3 खरीद लें सरसों का तेल, कुछ हो सकता है 1 लीटर 5 लीटर दोनों खरीद ले, को 1 खरीद ले, 1-1 लीटर का जरूर खरीदेगा। कम से कम 10 लाइन बेच करके आएगा एक आदमी जाएगा, और 10 लाइन बेचता है तो इसकी कीमत क्या है पता आपको? इसकी 10 लाइन बेचने का मतलब है, एवरेज गिन लो आप, 100 रुपये। एक दुकान पर 10 लाइन बेची उसने तो कितना हो गया भाई? 1000 रुपये का ऑर्डर लेकर के आया। आपका एक सेल्समैन यदि 25 दुकान भी कर लेता है, 25,000 का ऑर्डर एक सेल्समैन लेकर के आ सकता है। और कम, मैंने बताया छोटी से छोटी दुकान पर, फिर जो A+ और B क्वालिटी के जो स्टोर हैं वो एक एक के 5-5 पीस मंगाता है, 10-10 पीस मंगाता है, तो आपका ऑर्डर एक ही जगह से 5 से 10 हज़ार का होता है। लेकिन करना तो आना चाहिए। वो लेकर के लिस्ट चले जाते हैं, हाँ जी बताओ सरसों का तेल कितना, सोयाबीन कितना, नारियल, अरे भाई तो उसको दिखा करके आओ, बता के आओ कि फिजिकल रिफाइंड ऑयल है और जो है केमिकल वाला रिफाइंड ऑयल में क्या फ़र्क होता है। वो जब चीज़ें बताएंगे लोग, वो आगे ग्राहक को बताएंगे, ये इसको बोलते हैं हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये मैंने आपको फिजिकली ऑयल ऑयल जो है घी इसके बारे में बताया। अब आपको मैं अगले में ले चलता हूँ। इससे अगला तो इतना ज़बरदस्त है, कुछ लोगों को लगता है जूस एंड बेवरेजेस, अरे जूस तो जो है वो गर्मियों में बिकता है, है तो मेरे भैया इसमें च्यवनप्राश और जो है शहद भी तो है जो सर्दियों में बिकता है, इसके अंदर पावर बीटा भी तो है, इसके अंदर जो है अलग अलग आंवला एलोवेरा जूस है जो 12 महीने बिकता है, इसके अंदर पापड़ भी है जो 12 महीने बिकता है, तो जो भी चीज़ें इसके अंदर कैंडीज हैं, मुरब्बा हैं जो 12 महीने बिकते हैं, अभी तो इसमें पीकल्स हैं जो 12 महीने बिकते हैं, इसका कोई सारे, अभी तो दो तरह का ही अचार हम लोग दे रहे हैं जो सबसे हेल्दी होता है, नींबू और आंवला। अभी इसमें हरी मिर्च जो अपने बड़े बुजुर्ग बहुत खाया करते थे वो राई के साथ डाल करके हरी मिर्च, फिर एक मिक्स अचार, इसमें अचार भी 4-5 तरह के आ रहे हैं। कुल मिला करके इसके कम से कम जब आप जाएंगे ऑर्डर के लिए, एक समय आपके पास में 30 प्रोडक्ट होंगे सीजन के अकॉर्डिंग भी, कम से कम बता रहा हूँ। जब गर्मी होंगी तो हो सकता है ये आपकी रेंज पहुँच जाएगी फिर 50 तक, 25 से 50 तक आपको हर समय ये प्रोडक्ट आपको अपने जो है डिस्प्ले में रखने होंगे, जो झोला लेकर के जाएगा हमारा, बैग लेकर के जाएगा सेल्समैन। और इसमें से वो कम से कम 15 से 20, कम से कम बता रहा हूँ, 15 से 20 लाइन बेच करके आएगा इसमें से। जब वो 15 से 20 लाइन बेच करके आएगा तो उसको ऑर्डर भी कम से कम, मैंने कहा 1000-2000, बड़ी दुकानों पर 5000 ऐसे ऑर्डर मिलेगा उसको। आप लोगों को अभी ये मैकेनिज्म ही समझ में नहीं आ रहा। मैं ये देख रहा हूँ, मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ ना अभी, मैं देखो बाबा जी ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये 5 वर्टिकल क्यों किए गए? एक आदमी 25 से 50, मैं आपको यदि इस समय
मैं आपको जो है 50 नाम बोल देता हूँ। मेरे को तो हजारों नाम पता है, हजारों सूत्र पता है। मैं 50 नाम बोल दूँ आप कितने याद रखोगे बताइए जरा? 50 नाम बोल दूँ तो कितने याद रखोगे? चलो मैं आपको 6 नाम बोलता हूँ। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, 6 नाम बोले बताइए। किसी को भी नाम याद है तो फिर से बोल रहा हूँ, इसी सीक्वेंस में बोल रहे हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ये 6 दर्शन शास्त्र हैं, तो हजारों सालों से अपने देश के लोगों को पता है। बोलिए, बनते हो होशियार। 6 नाम बोले, उसमें से 2 पहला तो बोलो, 2 तो सांख्य योग 2 नाम याद हो गए, तीसरा न्याय, तीसरा चौथा, 3 तक ठहर गए। न्याय के बाद वैशेषिक, 3-4 को नाम याद है पीछे वाले, तो हमारे पास में रोज सुनते रहते हैं, वो हरिद्वार से आए हुए। तो सांख्य योग न्याय में वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा। अब आप रुक गए क्यों? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप 3 से ज्यादा चीजों को एक वक्त में याद नहीं कर सकते। बहुत मेहनत करके आप 20-25 चीजों के नाम याद रख सकते हैं कोई भी, उससे ज्यादा फिर आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है दिमाग पर। मैंने 10,000 चीज़ों को याद किया था, लेकिन 10,000 चीज़ों को याद करने में मुझे 1 साल लग गया था। तुम्हारे बच्चे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो कितना जोर पड़ता है उनको दिमाग पर, उनको पूछ करके देखना। तो 25 से 50 प्रोडक्ट एक में है, इससे ज़्यादा के एक आदमी बेच सकता है, ऑर्डर ले सकता है? आप बोलिए। तो हर वर्टिकल के लिए अलग सेल्समैन रिक्वायर्ड है, उसके बिना वो नहीं कर सकता। दिस इज प्रैक्टिकल थिंग, दिस इज नॉट ओनली फिलॉसफी। हम काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं, सपनों की दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये एकदम हकीकत बात है। अभी इसमें एक और चीज जुड़ने वाली है, ये शुद्धि चूर्ण। ये अकेला ब्रांड 500 करोड़ रुपए का होने वाला है। 2 ग्राम खा लो, 2 ग्राम, यदि गलती से किसी ने 1 चम्मच खा लिया तो हाथी को भी 10 लगा देगा। कुछ लोग लोग अभी मुट्ठी भर भर के चूर्ण खाते हैं, सनाए पत्ती और पता नहीं कीड़ा कितना कचरा खाते हैं पेट साफ करने वाले चूर्ण के नाम पर। ये 2 ग्राम चूर्ण खा लेना, मुझे तो कब्ज नहीं है, फिर मैंने इसको 1 ग्राम खा के देखा कल, 1 ग्राम खाया तो सुबह 3 बार पेट साफ हुआ, 1 ग्राम खाने से, सच्ची बात बोल रहा हूं। इतना इफेक्टिव चूर्ण धरती पर आज तक नहीं बना, जो शुद्धि चूर्ण हमने बनाया, क्योंकि आयुर्वेद में हमसे ज्यादा और कौन जानता होगा। इसमें जो हरड़ पड़ती है, सामान्य हरड़ होती है बाजार में 50-60 रुपए किलो, इसमें 1400 रुपए किलो की हरड़ पड़ती है। वो डिफरेंट क्वालिटी की हरड़ है, इम्पोर्ट ही करनी पड़ती है, क्या करें कुछ, अब यहाँ उसके पेड़ लगाने पड़ेंगे आगे। 1400 रुपए किलो की हरड़ है इसके अंदर, और बाकी चीजें इसके अंदर इंद्रायन है। इंद्रायन का मूल का आप यदि 1 ग्राम खा लो तो मैंने कहा हाथी को 10 लग जाए, इसमें 1 ग्राम से भी कम मात्रा उसकी इंद्रायन है। ये चीजें जो पुराने जमाने में चीजें थी, लोगों को पता नहीं था, ये फॉर्मुलेशन हमने गुरु परंपरा के आधार पर डेवलप किया है। बाकी और तो पंचकार चूर्ण, आयुर्वेद में त्रिफला चूर्ण है, और अपने यहाँ से भी दिव्य चूर्ण और जो है उदर कल्प चूर्ण, ये सब प्रयोग होते थे, लेकिन ये अद्भुत चीज है। एक एक चीज के बारे में मैं आपको बता रहा था, अब आगे आता हूँ। राइस, पल्सेज एंड स्पाइस, ये अकेला करीब 1 लाख करोड़ रुपए का ऑर्गेनाइज मार्केट है। ये हर एक 50,000 से 1 लाख करोड़ के बीच का है। ये फिजिकल ऑयल वाला भी ऐसा ही था, ये भी आगे भी मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, 1 लाख करोड़ ऐसे। ये ऑयल वाला भी ऐसा ही था, ये 2 लाख करोड़ का था मार्केट, ये अब इसका। ऐसे आटा वाला भी था, ये भी 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट है। ये एक एक 2-2 लाख करोड़ के मार्केट है। उसमें मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसमें हम पहुँच सकते हैं वो 50,000 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें आता हूँ, चावल में हमने टोटल, अब यहाँ भी थोड़े से, अभी इसमें 1-1 किलो वाले तो वो बैग में ले जा सकता है डिस्प्ले के लिए, 5-5 किलो तो नहीं लेकर के जाएगा। कुल हमारे चावल की कितने वैरायटियाँ हो गई हैं, बड़ी बड़ी भी? टोटल चावल की जो वैरायटी हैं, SKU तो ज़्यादा हैं, SKU 154 है, और वैरायटी हमारी 28 तरह की वैरायटी है। मैं नहीं कहता 28 तरह की तो वैरायटी भी लेकर के जाएगा तो बेचारा जो सेल्समैन है उसकी भी कमर झुक जाएगी, लेकिन वो कम से कम बासमती चावल का 1 लेकर जा सकता है, सोनम का 1 ले जा सकता है, कोलम का 1, कतरनी का 1, ब्राउन राइस का 1, और सोना मसूरी का 1, 10 तरह के चावल तो ले जा सकता है, 10 के नहीं 7-8 तरह के तो ले जा सकता है। वो जिस मार्केट में जो चलते हैं वो 7-8 तरह के चावल चलते हैं, 7-8 तरह के चावल।
आधा आधा किलो की दाल, इसके एक एक सैंपल लेकर के जाए। ये 200-200 ग्राम के मसाले, इनका एक एक सैंपल लेकर के जाए कि जो हमारा गरम मसाला क्या है, हमारा सब्जी मसाला क्या है, हमारा धनिया है, जीरा है, सारे के सारे ये चीज़ें जब लेकर के जाएगा बाज़ार में, राइस, स्पाइस एंड पल्सेज, मैं गारंटी देता हूँ एक बार में कम वो 25 लाइन बेच करके आएगा। कितनी लाइन? 25 लाइन बेच के। मैं जितनों की भी बात कर रहा हूँ 25 से कम किसी में नहीं है, ये दो में कम है लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फ्लोर एंड फिजिकल ऑयल। यहाँ वो 10 लाइन बेच सकता है, यहाँ 10 और बाकी में 25-25 लाइन बेच के आएगा सभी के अंदर, और उसकी वैल्यू होगी शाम तक जब वो आपका ऑर्डर लेकर के आएगा तो 25 और 50 हज़ार का भी ऑर्डर ला सकता है। फिर 7 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, अलग अलग मार्केट का जैसा मूड होता है, जिस तरह से जहाँ पर उठाव होता है, जैसे लोगों की परचेजिंग पावर होती है वहाँ के, उसके अनुसार यहाँ तो हफ्ते में 2-2 बार तक जाना पड़ता है फ्लोर और जो है इसमें फिजिकल ऑयल में, और बाकी में सप्ताह में एक बार। अब तुम सप्ताह में एक बार तो जाना शुरू करो, अब तो महीने में एक बार जाते हैं बावड़े, और उसमें भी पूरी लाइन लेकर के नहीं जाते, रेंज सेल बोलते हैं, लाइंस बोलते हैं, लाइंस और रेंज ये तो छोड़ो, उसको पूरा प्रॉपर वर्किंग नहीं करना था, तो कम से कम एक एक सप्ताह में एक एक बार जाना तो शुरू करो। एक सेल्समैन, मैं 1000 का भी एवरेज गिनूं तो आपको कम से कम शाम तक 25,000 रुपए का ऑर्डर लेकर के आता है, मैं मिनिमम गिन रहा हूं, और जो अच्छी मार्केट है उनसे जाएगा तो 25 से 50 हज़ार, वो 12 से 15 लाख का आपको ऐड करेगा, कम से कम बता रहा हूँ। तरीके से करना पड़ेगा भाई, इसका बिल्कुल सिंपल। और जहाँ अच्छी मार्केट है वहाँ वो जो उसमें भी 2-3 तरह के होते हैं, कहीं बात ए क्लास दुकानें हैं, ए प्लस हैं, ए हैं, बी हैं, वहाँ पर वो यदि वो उस एरिया का सेल्समैन है आपका, तो वो हो सकता है आपका 20 से 25 लाख रुपए का ऑर्डर ला सकता है एक सेल्समैन। और आप लोगों को समझ में नहीं आता है भाई, चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। आगे मैं बात कर रहा हूँ, चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ ये नेचुरल पर्सनल केयर, सैसे हैं अपने, अभी 2 करोड़ सैसे बनाने की कैपेसिटी है, इन सब प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी बहुत है, मार्केट साइज, प्रोडक्शन कैपेसिटी और ब्रांड की ताकत इतनी है हमारी कि हम लोग अभी 20,000 करोड़ का संकल्प लिए हुए हैं। मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा समझदारी और जिम्मेदारी से हार्ड वर्क करो तो हम लोग 2020 तक इसको 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा को भरण प्रसाद बताएंगे, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। अभी अब इसकी बात सुन लो, ये सारे प्रोडक्ट उसको एक झोले में भरेंगे तो इसका वजन हो जाएगा मुश्किल से 4 किलो, 4 किलो भी नहीं होगा, 3-1 किलो वजन हो जाएगा। ये सारे ब्रांड भर के लेके जाएगा, शुरू में जैसा भी झोला उपलब्ध है वैसे, और बाद में ये अखिल जी यहाँ पर बैठे हैं, इसका झोला ऐसा बनाओ कि उसमें चीज़ें ऐसी फिट हो जाएं, दिखें, विजिबल हों। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक दुकान से वो कम 40 चीज़ों का ऑर्डर लेकर के आएगा, किसी के 1 पीस, किसी के 2 पीस, किसी के 5 पीस, किसी के 10 पीस। ए प्लस दुकान है, बी है, तो वो काजल भी बिकेगा, वहाँ सुहाग टीका भी बिकेगा, बाकी सभी जगह फेस वाश कम से कम हमारा नीम वाला, एलोवेरा वाला, सौंदर्य वाला, गुलाब वाला, हनी वाला, कम से कम 3 से 5 वो क्या बेच के आएगा, फेस वाश, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम एक ट्यूब इसकी, छोटी से छोटी गली कुच्चे की भी दुकान होगी तो वहाँ कम छोटा से छोटा बेच आएगा ये, नहीं तो बड़ा बेच के आएगा ये, और जो छोटी दुकान पर कम से कम ये एक केसर वाला और एक दूसरा, ये दोनों, इसका इतना ज़बरदस्त साइड कैंपेन हमने चलाया और अभी दूसरा और चलने वाला है, जनरेशन गैप वाला बहुत ज़बरदस्त साइड कैंपेन बनाया है। अब सब लोगों को पता लग गया कि अरे मॉइस्चराइजिंग के लिए, ब्यूटी के लिए, एंटी रिंकल के लिए, एंटी एजिंग के लिए, ये इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, फिर बालों के डैंड्रफ के लिए, कहीं पर भी बॉडी में इचिंग होने उसके लिए, हर दुकान से आपको कम से कम 2 का छोटी सी छोटी गली कुच्चे के खोखे पर बिकेंगे 2 पीस तो आपके, और जो बड़ी दुकान है वो 10-10 का ऑर्डर देगा, 10-10 का ऑर्डर देगा, 20-20 का ऑर्डर देगा, जहाँ से ज़्यादा उठा हुआ है ए और बी वाले में 10-10 का ऑर्डर मिलेगा। मैं आपको रेंज सेल की बात कर रहा हूँ, फेस वाश, एलोवेरा, ऐसे ही जो है शैम्पू हमारे सबसे ज़्यादा नेचुरल, एलोवेरा, प्रोटीन, एंटी डैंड्रफ, फिर ये कुछ दूसरे भी, सिल्क एंड साइन वाला भी अभी और आ गया, हमारे 8-9 तरह के शैम्पू हैं, ये जो है कोकोनट हेयर क्लींजर। अब
इस अभी इसमें फैमिली पैक भी आ गए हैं, कम से कम बता रहा हूँ 5 से 7 शैम्पू के ऑर्डर देगा, 5 से 7 तरह के उसके पीसेज, वो 5-5 पीस लिए, 10-10 पीस लिए, वो जैसे उसका उठा हुआ वैसे लेगा, 5-7 पीस आपके शैम्पू के, 2 पीस कम से कम, 2 तरह के आपके एलोवेरा के, 3 तरह के कम से कम फेस वाश के, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, सौंदर्य क्रीम, फिर जो है हमारा बॉडी लोशन, फिर जो है ये हमारा गोल्ड क्रीम और एंटी एजिंग, फिर अभी हैंड वाश का बहुत ज़बरदस्त, अभी एलोवेरा का भी शुरू हो गया है, पहले हमारा नॉर्मल वाला हैंड वाश तो है ही है, ये वाला ये रहा, अब इसका भी बॉडी लोशन के भी 2-3 तरह के आ गए हैं, और भी तो मैं तेल का जो हमारे अब जैसे हेयर ऑयल्स हैं, एक दुकानदार कम से कम आंवला हेयर ऑयल, कम से कम वो केश कांति तेल और जो है एलमंड, ये 3-4 तरह के तेल लेगा, कुल मिलाकर के सारे, अभी हमारा ये बाम भी बहुत ज़बरदस्त है, बाम लेगा वो, हैंड वाशेज में वो जो है एक हमारा ये एंटीबैक्टीरियल है हैंड वाश, फिर ये एलोवेरा वाला हो गया, फिर ये महंगे वाले हो गए ओली और केसर वाला और ये सब, कुल मिलाकर के इसमें आपको 20 से 25 लाइन, और हर्बल मेहंदी बीच में थोड़ी शॉर्टेज हो गई थी, अब पूर्ति कर दी गई है इसकी, हर्बल मेहंदी की भी, इसमें गुलाब जल है जो थोड़ी A+ दुकान है वहाँ पर ये भी बिकेगा, कम से कम 25 लाइन, कम से कम बता रहा हूँ, और जो बड़े स्टोर है वहाँ 50 लाइन इसकी बिकेगी, 25 से 50 लाइन इसकी बेचकर, अब इसमें आ जाओ, अब इसमें शिशु केयर, ये जो अच्छे दुकानदार हैं, जो मेडिकल स्टोर हैं, जो हॉस्पिटल्स के पास दुकान है, अब आपको देखना पड़ेगा ना, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, अभी ये जा करके कोई गली कुच्चे में तो बिकेगी नहीं, ये बिकेगी कहाँ, हॉस्पिटल्स के पास बिकेगी, डॉक्टर्स के पास वाली जो दुकान है उस पर बिकेगी, मेडिकल स्टोर पर बिकेगी, मेडिकल स्टोर वाला एक ऑर्डर इसका ज़रूर देगा, और उसका वीक में कम से कम, इतने हिंदुस्तान में बच्चे पैदा होते हैं, 125 करोड़ लोग हैं, अरे इस हिंदुस्तान में बच्चे भी पैदा होते हैं, तो उनके लिए अच्छे प्रोडक्ट भी चाहिए माताओं को, और प्रकृति माँ से माता, कितना ज़बरदस्त हमने इसका एड कैंपेन चलाया, आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, एक कम से कम शिशु केयर, दूसरा हमारा ये प्रिस्टीन से लेकर के, और अब इसमें ग्रीन फ्लश भी आ गया है, ग्रीन फ्लश में अभी थोड़ा सब जगह पहुंचने में थोड़ी सी देरी है, प्रिस्टीन देसी दागों की देसी धुलाई, अभी एड कैंपेन अभी शुरू हुआ, थोड़ा देखा है किसी ने, बहुत ज़बरदस्त एड कैंपेन बना, इतना ज़बरदस्त है इसका म्यूजिक, इसका कॉन्सेप्ट, और इसमें गोनाइल, अभी 1 लाख इस समय, और अगले साल तक हमारा सपना है 5 लाख गोनाइल देंगे, 1 लाख गायों की सेवा पतंजलि से करने का संकल्प है, 1 लाख गायों की, लोग गाय के नाम पर कितनी राजनीति करते रहते हैं, ये है इसका, और इसमें ताकत है, नेचुरल चीज़ें, और सारी चीज़ों के अंदर हमने करेक्शन मार्जिन भी कर दिया है। अब मैं अगली बात पर आता हूँ, वाशिंग पाउडर, अकेला वाशिंग पाउडर ही 20,000 करोड़ का अकेला वाशिंग पाउडर का है, टोटल ये जो वर्टिकल जिसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ ये करीब 50,000 करोड़ का मार्केट है, एक वर्टिकल 50,000 करोड़ से कम है ही नहीं, साबुनी 15,000 करोड़ का है, टूथपेस्ट है ये 8-9 हज़ार करोड़ का है, और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, फिर ये इसी तरह से ये डिशवाश, अब डिशवाश में हमारे 3 तो पहले थे, एक तो ये था डिशवाश, सारे देश में धूम मची हुई, जो भी भाइयाँ काम करने वाली हैं घर में या माताएं काम करने वाली कहते हैं हमको पतंजलि वाला जिसने एक बार यूज़ कर लिया किसी बिना, मैं आपको कहता हूं शायद 1-2 साल के बाद में पतंजलि डिशवाश के हमें आईडी नहीं देनी पड़ेगी, माउथ पब्लिसिटी इसकी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हुई है, ये है डिशवाश रिजल्ट है इसका। अरे ये फार्मूला को ऐसे थोड़ी बन गया, अब इसके पीछे हमारा 3 तरह से दिमाग काम किया, एक तो हमने बचपन में अपने हाथों से राख से बर्तन साफ किया, हम तो गांव वाले हैं, माँ हमारी बर्तन साफ करती थी राख से, फिर हमारा दिमाग लगा अरे इसमें तो कुछ हो सकता है, पतंजलि में क्योंकि हम इतनी जड़ी बूटियों एक्सट्रैक्ट निकालते हैं उसमें राख बड़ी रहती थी, जड़ी बूटियों की आंवले की राख, जड़ी बूटियों की सब राख इकट्ठी हो जाती थी, राख का पहाड़ बन गया, हमने उस राख को छाना, हमने राख मिला करके नीम का एक्सट्रैक्ट मिला करके नींबू मिला करके तैयार किया, हिंदुस्तान में पहली बार ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला डिशवाश बार तैयार है, ये उसमें ये आ गया, और अब ये तो नया है, इसका तो पेटेंट ले रहा है पतंजलि, ये इस तरह का डिशवाश में नया फॉर्मेट पतंजलि का नया इनोवेशन है, नया रिसर्च है, इसमें क्या होता है इसमें एक लॉक लगा है, इस लॉक को निकाल देते हैं और लॉक को निकालने के बाद फिर दबाते हैं तो यह ऊपर आ जाता है इसके सरफेस पे, और उसके वो फिर वो जो भी है ना
जो जिसे बर्तन साफ करते हैं, स्क्रब करने वाला, उसको लगा दिया बस ऐसे, और इतना बढ़िया है। ये नया इनोवेशन है। जितने साबुन हैं, जितने हमारे ब्रशेज हैं, जितने हमारे जो है ये कपड़े धोने वाले साबुन हैं, स्नान वाले साबुन हैं, इसमें भी रैप पैकिंग आ गया है, ये सेवर पैक बोलते हैं जिसको, ये आ गया है। 10 रुपए वाले साबुन आ गए हैं इसमें। और अब मैं आता हूँ लास्ट दंतकांति के ऊपर। दंतकांति एडवांस, दंतकांति जूनियर का बहुत बड़ा एड कैंपेन अभी लॉन्च कर शुरू हो गया है। 15 अगस्त से दंतकांति जूनियर का एड कैंपेन, वो पहले उसमें हमने ध्यान नहीं दिया था, इतना बड़ा मार्केट है और वो जरूरी है। SLS फ्री हमारा, और दंतकांति एडवांस, दंतकांति जूनियर और दंतकांति मेडिकेटेड, अभी 3 पेस्ट आपको इस महीने नए देने वाले हैं। उसमें दंतकांति रेड पेस्ट, दंतकांति एलोवेरा पेस्ट और दंतकांति एक्टिव फ्रेश जेल। ये जब सारे के सारे आ जाएंगे तो अकेला दंतकांति 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का करना है इस साल, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा। फिर इसमें ब्रशेज हैं हमारे सारे, इतने जबरदस्त हैं, ट्रंक क्लीनर है, कुछ भी तो बचा नहीं है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, थोड़ा सा आप लोगों को चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। ये मैंने 8 वर्टिकल्स की कहानी थोड़ी बताई। जो अपना पशुहार है, इस साल पशुहार भी 500 करोड़ का हम लोग कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा दूध में आ जाएंगे, डेयरी में आ जाएंगे, तो आप देखना हम लोग कम से कम पशुहार भी 5000 करोड़ का करेंगे। और यदि डेयरी में चले गए तो 1 लाख करोड़ नहीं, पतंजलि 2 लाख करोड़ भी पहुंच जाए तो बहुत से लोगों को शायद हार्ट अटैक हो जाएगा। लोगों का अरे हम कोई, हमारा उद्देश्य एक ही है, विदेशी कंपनियों की लूट से पैसा बचाओ, और जो पतंजलि का पैसा होगा वो 100% देश की सेवा में, चैरिटी में लगाओ, गौ माता की सेवा, गरीबों की सेवा, भारत माता की सेवा, रिसर्च, योग, एजुकेशन, इस देश में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र बने, सबसे बड़ा चिकित्सा का केंद्र बने, सबसे बड़ा अनुसंधान का केंद्र बने। इस देश में हम अपनी गौ माता, अपनी भारत माता, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अरे हम बाबा जी लोग हैं, अभी भी 2 कपड़े ओढ़ते हैं, जमीन पर सोते हैं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, और एक ही संकल्प है, पतंजलि का कोई भी मालिक कोई व्यापारी नहीं है, संसारी नहीं है, और हमारे जाने के बाद भी कोई व्यापारी और संसारी पतंजलि योगपीठ का उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो ये पतंजलि कोई एकमात्र प्रोडक्ट नहीं है, बहुत से, अब जैसे गांव के लोग हैं, एक गांव का आदमी आया, अरे बोला हम तो सोचते थे पतंजलि बिस्किट होता है, अरे पतंजलि ऋषि होता हमको तो पता ही नहीं था। अभी तक लक्स लाइफ बॉय, फेयर एंड लवली, अब फेयर एंड लवली कोई आदमी थोड़ी है, लक्स लाइफ बॉय कोई आदमी थोड़ी है, डो कोई आदमी थोड़ी है, सनसिल्क कोई आदमी थोड़ी है। अब ये सोचते थे ये पतंजलि भी ऐसे ही कोई ब्रांड का है नाम है, तो बोले हम तो सोचते थे पतंजलि बिस्किट होता है। उसको जब बाद में बता ले पतंजलि तो एक ऋषि है, तो पतंजलि एक ऋषि का नाम है और ऋषि का काम है, और वो काम आप लोग कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को अपने ऊपर गौरव होना चाहिए। आप एक सामान्य व्यापारी नहीं है, कोई आप दारू बेचने वाला व्यापारी नहीं है, बीड़ी सिगरेट शराब बेचने वाला व्यापारी नहीं है, आप देश बेचने वाले व्यापारी नहीं है, आप देश बचाने वाले व्यापारी हैं, ये आपको गौरव होना चाहिए।